हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ SRG Tuition। आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हमने इनहेरिटेंस के पैटर्न और उसके जेनेटिक बेसिस को देखा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और वो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, सो जैसे आपको पता है कि जो डीएनए है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, वहीं जो आरएनए है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल काम करता है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे ये एज अ मैसेंजर वर्क करता है। मीन्स ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे कैरी करता है। ठीक है, ऑल्सो एक्ट एज एडेप्टर एंड एज अ कैटालाइटिक मॉलिक्यूल, और ये जो है एडेप्टर की तरह भी काम करता है और कैटालाइटिक मॉलिक्यूल मीन्स किसी रिएक्शन को तेज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और एज अ एडेप्टर, यहाँ पे हमारा एडेप्टर से मतलब है कि ये किसी भी अमीनो एसिड को पिक करने और उसे जोड़ने में भी हेल्प करता है, इसीलिए हम इसे एडेप्टर भी कहते हैं। तो ये जो इसका फंक्शन है अमीनो एसिड को जोड़ने का या उसे पिकअप करने का, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज जो हमारा टॉपिक होगा आज की वीडियो का, वो होगा डीएनए टॉपिक। ठीक है, सो हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द डीएनए। तो आज की वीडियो में हम डीएनए के क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल डोगमा किसने दिया और ये हमें क्या बताता है। ठीक है, हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो किसने दी और उसके साइलेंट फीचर क्या हैं। और ये जो टॉपिक है पूरा डीएनए, उसकी स्ट्रक्चर और हमारा सेंट्रल डोगमा और क्या कहते हैं कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसने दी और उसके साइलेंट फीचर क्या हैं, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सो जो हमारा डीएनए है वो लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सी से मतलब क्या है, यहाँ पे डीऑक्सी से मतलब है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है कम होता है डीएनए में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आरएनए की, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर हम कहें राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो दो होती है, लेकिन डीएनए में क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए है ये लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब किसी भी डीएनए की लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। किसी भी डीएनए की लेंथ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरियोफेज जिसका नाम 5 × 174 है, उसके अंदर उसके जो डीएनए की लेंथ है वो है 500386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसकी जो लेंथ है वो है 48,502 बेस पेयर। देखिए यहाँ बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क क्या है, जो हमारा एक स्ट्रैंड होता है उसमें जो हमारा एक बेसिकली जिसे आप आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड होता है वो अटैच होता है, तो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन जब दूसरे स्टैंड को भी लेके हम काउंट करते हैं, तो जिसके साथ वो बॉन्ड बनाता है उस पे पूरे को हम क्या कहते हैं, बेस पेयर। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर में। वहीं हम बात करें एसेशिया कोलाई की, तो उसका होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और जो ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट होता है, मीन्स जो हमारे गैमेट्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कॉर्नबर्ग। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को सिंथेसाइज करा था इन विट्रो मीन्स लैब में 1957 में। ठीक है, कॉर्नबर्ग वाज फर्स्ट टू सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो इन 1957। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स डीएनए की, अब हम स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, तो न्यूक्लियोटाइड तो हमारा क्या है, बेसिकली एक कंपाउंड है, और पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे,
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हम क्या देखेंगे कि कितने सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक डीएनए को बनाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली वो क्या होता है, तो जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजीनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सो सबसे पहले नाइट्रोजीनस बेस जो न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरीन नाइट्रोजीनस बेस, एक होता है पायरिमिडीन नाइट्रोजीनस बेस। जो हमारा प्यूरीन होता है इसमें हमारे दो नाइट्रोजीनस बेस आते हैं, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। ठीक है, और वहीं पैराडीन में हमारे तीन आते हैं जिसमें एक हमारा होता है साइटोसिन, एक होता है यूरासिल और एक होता है थाइमिन। थाइमिन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है 5-methyl-uracil। ठीक है, अब देखिए डीएनए में हमारे कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए में हमारे एडेनिन ग्वानिन मीन्स जो हमारे प्यूरिन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और पायरामिडीन में से हमारे साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए में भी हमारे एडेनाइन ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर साइटोसिन भी होता है लेकिन थाइमिन की जगह वहाँ पे यूरासिल आ जाता है। ठीक है, तो ये आरएनए और डीएनए में फर्क होता है। अब देखिए जो नाइट्रोजीनस बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है और ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे मैंने ये बॉन्ड को दर्शाने के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट एक तरीके से प्रिपेयर करी है ताकि हम आप जल्दी समझ पाए और आपको याद रहे। तो जो नाइट्रोजीनस बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है और बनाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो नाइट्रोजीनस बेस अगर हम कहें नाइट्रोजीनस बेस जो है पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू और फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ऐसा ही एक यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल दे रखा है एडिनोसाइन, जिसे हम डीऑक्सी एडिनोसाइड भी कह सकते हैं, और एक हमारा है साइटिडिन जिसे हम डीऑक्सी साइटिडिन भी कह सकते हैं। ठीक है, वहीं जब किसी भी न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और हमारा नाइट्रोजीनस बेस। तो न्यूक्लियोसाइड में हमारा क्या आता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस, और फॉस्फेट ग्रुप भी उसमें जुड़ गया तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। और जो फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है 5-OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा, पांचवे कार्बन के साथ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ से हम काउंटिंग चालू करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे 5 ये हमारा हो गया और यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है, और ये जो बॉन्ड होता है फॉस्फेट और OH ग्रुप के बीच में इसे हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू 3-5-फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए हमने एक न्यूक्लियोटाइड में तो पढ़ा था कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये जो हमारे दो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़े हैं तो इनके बीच में एक ही पेन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, अब ये फॉस्फेट ग्रुप है, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर से जुड़ा है, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हमारा 3- हो गया, और यहाँ पे ये पाँचवें नंबर से जुड़ा है तो ये हमारा 5- हो गया। तो ये 3-और 5- दोनों से अटैच है और दोनों साइड से OH ग्रुप आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, डाईएस्टर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये बॉन्ड है इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड क्या करता है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे हमारा एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें,
अगर आप देखें तो इसी तरीके से हमारे सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है मिलके एक पूरी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को बनाते हैं, ठीक है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन राइबोस। सो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, ये हमारी एक क्या है पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजीनस बेस है और ये हमारा क्या है फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पेंटोज शुगर है या राइबोस शुगर है इसके सेकंड नंबर पे, मींस ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, यहाँ पे एक और ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारा क्या बन जाता है आरएनए, ठीक है। तो ये अगर आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे ओएच लगा है सेकंड पोजीशन पे पेंटोज शुगर में तो ये हमारा आरएनए है, और अगर ये नहीं लगा हुआ तो ये हमारा क्या है डीएनए है, ठीक है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय फ्रेडरिक मैस्टर इन 1869। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। अब जो डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये बात सबसे पहले बताई थी फ्रेडरिक मैस्टर ने 1869 में, ठीक है, और इन्होंने इसे कहा था न्यूक्लिन, ठीक है। अब देखिए इन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा था तो बेसिकली इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कहाँ से पड़ा। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था ऑल्टमैन, उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिन है उसका करेक्टर जो है एसिडिक होता है, इसीलिए उन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी इसलिए मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांस क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखिए जो फ्रेडरिक मेस्टर साइंटिस्ट थे इन्होंने ज़्यादा कुछ उसके स्ट्रक्चर में बता नहीं पाए, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांस क्रिक, उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके एक मॉडल दिया जिसका नाम था डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। और ये जो मॉडल था ये चारगाफ्स की एक साइंटिस्ट हैं इरविन चारगाफ, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं इरविन चारगाफ्स की क्या करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम चारगाफ्स रूल भी कहते हैं। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो है मैंने यहाँ लिखे हैं, द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है हमेशा इक्वल अमाउंट में रहेंगे, मीन्स एडनिन प्लस ग्वानिन का जो सम होगा वो इक्वल होगा थायमिन और साइटोसिन के सम के, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, मीन्स अब देखिए इन्होंने सेकंड बात क्या कही कि जो एडनिन है वो थायमिन के इक्वल होगा और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होगा, मीन्स जो नंबर ऑफ एडनिन है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ थायमिन के और जो नंबर ऑफ ग्वानिन है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ साइटोसिन के, ठीक है। द बेस रेशियो ए प्लस डी इज कॉन्स्टेंट फॉर आई स्पीसीज बट वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर। अब देखिए जो एडेनिन और थायमिन का सम है और जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन का सम है, इनका जो रेशियो है या बेस रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक स्पीसीज के लिए, लेकिन ये एक अलग अलग स्पीसीज में बदलता रहता है, ठीक है। मीन्स सेम स्पीसीज के लिए तो ये कांस्टेंट रहेगा लेकिन अलग अलग स्पीसीज के लिए क्या रहेगा ये अलग रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हेल्प भी करता है हमें स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में। सो ये हमारे इरविन चारगाफ्स ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। अब यहाँ पे देखें एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, तो हम इसे वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इफ़ इच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए की चेन है, एक चेन है, ठीक है, और इसकी जो पोलैरिटी है वो है 3-2, 5-, ठीक है। अब ये 5- और 3- क्या है, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखिए जैसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के फॉस्फेट ग्रुप को ज्वाइन करके क्या करते हैं डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे डीएनए की चेन एंड होती है, ठीक है, वहाँ पे एक जो फॉस्फेट ग्रुप है
उसका 5 डैश एंड फ्री रह जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या रह गया, 5 डैश, उस पर फॉस्फेट लगा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 डैश OH पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लिंक है और उसके बाद हमारा कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो ये जो फ्री 5 डैश OH एंड है, इसी को हम क्या कहते हैं, 5 डैश एंड। और यही क्या करता है, किसी भी DNA की पोलैरिटी को रिकग्नाइज करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो यहाँ पे 3 डैश हाइड्रोक्साइल ग्रुप रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसकी पोलैरिटी हो गई, ये हो गई 3 डैश, तो इसकी जो पोलैरिटी है बेसिकली वो क्या हुई, 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3 डैश अगर हमारा मतलब है मीन्स 3 डैश हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री है, और अगर 5 डैश एंड मतलब है तो हमारा 5 डैश फॉस्फेट एंड फ्री है, ठीक है। और यही हमारे क्या करते हैं, किसी भी DNA की पोलैरिटी को रिकग्नाइज करते हैं। सो अब बेसिकली देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी मान लीजिए एक DNA की चेन है और ये 3 डैश एंड है या 5 डैश एंड है, और ये अब जैसे अभी आप साइलेंट फ्यूचर ऑफ डबल हेलिक्स में पढ़ेंगे कि जो DNA स्ट्रैंड होता है ये डबल हेलिक्स होता है, मीन्स दो स्ट्रैंड होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 स्ट्रैंड बनाए, और आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मीन्स अगर एक जो है 5 डैश टू 3 डैश है तो दूसरा 3 डैश टू 5 डैश होगा, ठीक है। ये हमेशा कॉमन रहेगा हर DNA में। तो अगर ये अलग होते हैं और जो 5 डैश DNA है, 5 डैश टू 3 डैश, वो अगर एक क्या करता है, प्रोजेनी बनाता है, तो वो कैसी बनेगी, 3 डैश टू 5 डैश बनेगी, ठीक है। और अगर 3 डैश टू 5 डैश अलग होके कोई प्रोजेनी बनाता है तो वो हमेशा 5 डैश टू 3 डैश होगी, ठीक है। मीन्स इनमें से कोई भी अलग हो और वो अपनी कोई भी प्रोजेनी बनाए, वो अपने पेरेंट के कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर 5 डैश 3 डैश अलग होके बनाता है तो वो इसे बनाएगा, और ये अगर अलग होके बनाता है तो वो 5 डैश टू 3 डैश बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। अब हम देखते हैं साइलेंट फ्यूचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे मैंने आपको बताया, वेयर द बैकबोन इज कंस्ट्रक्टेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इन साइड इट। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है, जहाँ पे जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट जो हमारी बैकबोन होती है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल होती है। इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश, द अदर हैज़ 3 डैश टू 5 डैश, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा, ठीक है। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो बेसिस हैं, 2 स्ट्रैंड हैं हमारे बेसिकली, इनमें नाइट्रोजीनस बेस है, तो ये एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। तो जो एडिनिन है वो थायमिन के साथ, तो एडिनिन जो है थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन है हमारा साइटोसिन के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। द टू चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ अ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। सो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 2 चेन है DNA की, ठीक है, एक ये चेन है एक ये वाली चेन है, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये राइट हैंडेड फैशन में मीन्स राइट हैंड के साइड कुछ इस तरीके से फोल्ड हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हाथ की वजह से सही से दिख नहीं पा रहा, तो अगर मैं जैसे ये 2 चेन है हमारी, तो ये जो हमारी चेन है ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हुई होती है, ठीक है, मीन्स राइट हैंड की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक है। और जो पिच होती है हेलिक्स की वो होती है 3.4 नैनोमीटर, और इसके अंदर बेसिकली 10 बेस पेयर होते हैं ईच टर्न में। जैसे ये डायग्राम देखिए कि हम यहाँ पे एक अपना सीक्वेंस मानते हैं, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट कब होगा, जब ये इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये गया और यहाँ पे इसके बराबर में आ गया, तो ये जो लेंथ है हमारी 1 हेलिक्स की, ये हमारी होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, जो होती है 3.4 × 10⁻¹, सॉरी -9, ठीक है। लेकिन इसे हम 34 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, क्योंकि 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 34 × 10⁻¹⁹ मीटर, ठीक है। और ये जो
एक हेलिक्स होता है या हम कहें एक पिच होती है पूरी, इसके बीच में 10 बेस पेयर होते हैं और एक दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन का, मीन्स 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। सो ये हमारी क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी डीएनए चेन की। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फेयर स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लेन होता है एक बेस पेयर या एक चेन का, वो दूसरे के ऊपर स्टैक होता है, मीन्स दूसरे के ऊपर लाई हुआ होता है, और जो बेस पेयर हैं वो बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उस हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मजबूती देते हैं या उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डीएनए के ऊपर, और इसमें हमारा डीएनए का एक और टॉपिक, दो टॉपिक रह गए हैं बेसिकली, सेंट्रल डोगमा और पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। तो उन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ अगर आप थोड़ा रिस्पांस भी दिया कीजिए, क्योंकि जब रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है हमें भी, भले ही वो रिस्पांस नेगेटिव क्यों ना हो, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा अच्छा करें, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।